कृष्णा अभिषेक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियंस में से एक हैं। उनकी कॉमिक टाइम कमाल की है। हाल ही में कृष्णा अभिषेक ने द कपिल शर्मा शो में वापसी की है। द कपिल शर्मा शो के मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर कृष्णा अभिषेक शो में वापसी कर चुके हैं। कपिल शर्मा शो के बीते एपिसोड में उन्होंने धमाकेदार अंदाज में वापसी की है, जिसमें कृष्णा सपना दीदी के लुक में नजर आए। कृष्णा अभिषेक ने अब खुलासा किया है कि कपिल शर्मा शो के लिए उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी है। एक्टर ने बताया कि उन्होंने शो के लिए एक बड़े डायरेक्टर की फिल्म छोड़ दी है। कृष्णा अभिषेक ने ई टाइम्स के साथ बातचीत में खुलासा किया कि उन्हें साजिद खान ने अपनी फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उनकी सारी डेट्स कपिल शर्मा शो के लिए बुक थी, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। एक्टर ने कहा, कुछ परेशानियां थी, हमारा चैनल के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट था और शेड्यूल बिजी था। साजिद खान ने मुझे फिल्म ऑफर कर दिया था जिसकी वो शूटिंग कर रहे हैं अभी। मेरे पास डेट्स ना होने की वजह से ये नहीं हो पाया। आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे भी उनके साथ काम करके बेहद खुशी होती। द कपिल शर्मा शो में कृष्णा को ग्रैंड वेलकम मिला। शो में अपनी वापसी की जानकारी देते हुए उन्होंने सेट से एक वीडियो भी शेयर किया था। वीडियो में कृष्णा सपना दीदी के लुक में नजर आए थे। कृष्णा ने जैसे ही अपने पुराने अंदाज में सेट पर एंट्री की, ऑडियंस ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इसके साथ ही बैकग्राउंड में फिल्म मैंने प्यार किया का गाना दिल दीवाना चल रहा था। वहीं स्टेज पर कीकू शारदा समेत उनके साथी को स्टार्स ने भी एक्टर का वेलकम किया। कृष्णा अभिषेक ने साल 2022 के सितंबर में द कपिल शर्मा शो से किनारा कर लिया था। शुरुआत में उन्होंने शो छोड़ने का कारण नहीं बताया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सैलरी का इशू बताया था। कुछ दिनों पहले कृष्णा अभिषेक ने द कपिल शर्मा शो में अपनी वापसी को लेकर खुलकर बात की थी। ई टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान कृष्णा ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर में सैलरी सहित कई सारे इश्यूज थे, लेकिन अब वो सारे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। शो और चैनल मेरी फैमिली की तरह है, मैं शो में वापस आकर बहुत खुश हूँ। मालूम हो कृष्णा अभिषेक शोज के साथ कई बॉलीवुड फिल्मों का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने बोल बच्चन, एंटरटेनमेंट, क्या कूल है हम 3, मरने भी दो यारो जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो वल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।